अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। लड़की है वीना, मैं तुझे बहुत मारूंगी। मेरी बात सुन, मुझे फोटो लेने दे वीना, प्लीज। मुझे तस्वीर की जाती कि नहीं वीना, देख मुझे फोटो लेने दे वीना, मेरा पीछे छोड़ दी कि नहीं वीना, मुझे फोटो लेने देना। रुक जाओ, मैं बंद करो, दूध हाथ गिर जाएगा। जबरदस्ती मेरी तस्वीर खींचना चाहती है वो। क्या हुआ खिंचवाले? सुना मौसी ने क्या कहा? मौसी, ये इन कपड़ों में मेरी तस्वीर खींचना चाहती है। झूठ बोलती है। मैंने ये नहीं कहा मौसी, मैंने ये कहा मैं तेरे कपड़े पहन लेती हूँ, तू मेरे कपड़े पहन के तस्वीर खींचवा ले। मैंने कुछ बुरा कहा क्या? तुम दोनों आपस में फैसला करो, मैं तो जाती हूँ। बिल्कुल नहीं लाऊं से। हाँ हाथ ऐसे करके क्यों खड़ी है? ऐसे करके खड़ी हो। हाँ चल अब मुस्कुरा दे। क्या होता है ऐसे? हाँ मुस्कुराती रहना। हाँ रेडी। देखा तू मुस्कुराई नहीं ना, अब मुझे फोटो दोबारा लेना पड़ेगा। हाँ अब मुस्कुरा दे। अरुणा बेटी। हाय डैडी। अरुणा बेटी। हाँ क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ? इस लिबास में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ये साड़ी कहाँ से लाई? ये वीना की साड़ी है, मैंने मजाक में वीना की साड़ी पहन ली और उसे अपने कपड़े पहना दिए। आपको देखकर छुप गई है। आप यही रहिए, अभी पकड़ कर लाती हूँ उसे। बाहर आना वीना, दिखाना बिल्कुल। अरे जाने दो ना बेटी, देखो ना डैडी बाहर नहीं आती। अरे जाने दो, इतना शर्मा रही है तो क्यों परेशान कर रही है उसे? तू नहीं सुधरेगी कभी। ठीक है तो पहले मेरी साड़ी मुझे वापस दे। देती हूँ, अभी बदल कर आती हूँ साड़ी। ठहर जा बेटी, इस साड़ी में मुझे तेरी एक फोटो चाहिए। फोटो साड़ी में? फिर वही चाहिए साड़ी वाली। मॉम, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरी शादी की बात मुझ पर छोड़ दो और तुम आराम से पूजा घर में बैठकर हरे राम की माला जपो। नहीं लेकिन तुम होगी रोज रोज नई नई लड़कियों की तस्वीर दिखाई जाती है। आई डोंट लाइक इट। वॉच बेटा, पर इस लड़की में क्या कमी है? लाखों का दहेज लाएगी
और फिर लिखी पढ़ी भी है, सुंदर है, ऐसी लड़की इस घर की बहू बनकर आए तो और क्या चाहिए, क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी पसंद की बहू नहीं चाहिए, अपनी पसंद की बीवी चाहिए जो मेरे साथ अल्ट्रा मॉडर्न हो, अप टू डेट हो, मेरे साथ सोसाइटी में घूम फिर सके। वॉट वॉट हर वक्त वॉट वॉट करता रहता है। हरे राम हरे राम। ए, मिस्टर मैरिज ब्रोकर, क्या कहते हैं हिंदी में, पुरोहित जी? जी जी जी। नमस्ते सर। हाय, क्यों अपनी कमीशन के खातिर मेरी मम्मी को बेकार बेकार लड़कियों को फोटोग्राफ दिखाते रहते हैं आप? बाय बेकार नहीं सब, हाई क्लास लड़कियों की फोटो है, ये देखिए, ये देखिए, देखिए देखिए तो। What a beauty. जी क्या टेस्ट है सरकार, क्या अदा है सरकार, क्या अंदाज है सरकार, एब्सोल्युटली मोर सरकार, क्या सरकार सरकार लगा रखा। व्हाट यू वांट, ये जो कन्या है, क्या है कन्या में, इसके माँ बाप मर चुके हैं, मौसी नेपाल है, मामूली खानदान की है। अरे खानदान मामूली तो क्या हुआ, लड़की तो कमाल की है। मॉम 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 मॉम, जिस टाइप की लड़की मुझे चाहिए ना, देखो मिल गई, फोटो इज इनफ, इसे तो देखने की भी जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो पता चलना चाहिए कि दहेज में क्या लाएगी। दहेज? व्हाट दहेज मॉम? डाउरी, डाउरी, धन दौलत, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यू शट अप ओल्ड मैन। मॉम हमें दहेज की क्या जरूरत, हमारे पास काफी दौलत है। और लेकिन बेटा सुनो मॉम, अगर मैं शादी करूंगा ना इसी लड़की से करूंगा, मेरी तरफ से ओके, शादी पक्की। सरकार सरकार एक मिनट, ये जो लड़की है ना आपके लिए बहुत अच्छी। इस कन्या की इस घर में कोई जरूरत नहीं, जिस घर में रोटी पकाने वाली की जरूरत हो ना वहां दिखा देना। पिताजी रख दो बेटे, बेटे दिन भर तो तू ऑफिस में काम करता है, आज सुबह शाम ये रसोई का झंझट। आप मेरी चिंता न कीजिए पिताजी। बेटा अगर तू सचमुच मेरी चिंता दूर करना चाहता है तो इस घर में बहू ला, जानते हो ना बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। पिताजी आप तो रोज सुबह हनुमान चालीसा के पाठ की तरह मेरी शादी का पाठ करना भी नहीं भूलते हूँ। आधे से ज्यादा तनख्वाह तो पुराने कर्जे और उनका सूद चुकाने में ही निकल जाती है, जो कुछ बचता है हम दोनों का गुजर बड़ी मुश्किल से होता है, अब तीसरा जीव आएगा तो गुजारा कैसे होगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन चतुर्ग्रहणी के हाथ में बरकत होती है, वो थोड़े में ही घर चला लेती है। लेकिन पिताजी आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, मैं थोड़े ही बुढ़ा हो गया हूँ। बुढ़ा मैं हो गया हूँ बेटे, कभी कभी सोचता हूँ क्या बहू का सुख देखे बिना मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। मेरा पोता मुझे दादाजी कह के पुकारे, क्या ये अपनी ख्वाहिश मन में लिए ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। ये बात नहीं है पिताजी, मैं डरता हूं जो लड़की इस घर में बहू बन के आएगी अगर इस घर के तौर तरीके अपना ना सकी तो जो थोड़ा बहुत सुख है हमारी जिंदगी में वो भी हम खो बैठेंगे। तो सुन, अगर ऐसी लड़की मिल जाए जिसे हम जानते हो, जिसके बारे में हम कह सकें कि वो अच्छी है, फिर तो तू शादी करेगा ना? हाँ तब तो करूंगा। ये देख, कल प्रोहित शंकर प्रसाद जी मिले थे, बातों बातों में उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई, भाई मुझे तो बहुत पसंद आई, देखो कितनी शांत सुशील और सुंदर लग रही है, और कोई गैर भी नहीं, वो अपने सेठ सूरजमल जी है ना, मेरे बचपन के दोस्त, उनकी बेटी है। सेठ सूरजमल की बेटी? तब तो ये शादी हो चुकी, वो कहाँ हम कहाँ। क्या मतलब? अरे पिताजी लड़की देनी चाहिए अपने से अमीर घर में और लड़की लानी चाहिए अपने से गरीब घर की। शैतान मुझसे सीख कर मुझे ही सिखा रहा है। पर तू इन बातों की फिक्र मत कर, तू सूरजमल को नहीं जानता,
है वो इस अमीरी गरीबी और ऊंच नीच में यकीन नहीं रखता। बहुत ही भला मानस है और अच्छे बाप की बेटी भी अच्छी होगी। तू इतना बता, ये लड़की तुझे पसंद है? पिताजी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, जो आपकी पसंद की बहू वही मेरी पसंद की बीवी। विश्वनाथ गुप्ता, अरे उसे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने भी यही कहा था। अगर उसने अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर किया है तो धन्यवाद। अरे जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं है पुरोहित जी, असल चीज है इंसान का कैरेक्टर, उसके विचार, उसके उसूल। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। हाय जरी। हाय पुरोहित जी। अरे यहाँ तेरी शादी की बात हो रही है और तू हाय हाय किए जा रही है। मेरी शादी की बात? मैंने तेरी तस्वीर पुरोहित जी को दी थी, उन्होंने तेरे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा है, ये देख कैसा है। वाओ, he's handsome, लड़का अच्छा है। सिर्फ अच्छा ही नहीं, बड़ा चरित्रवान है और बुद्धिमान भी। अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, जो थोड़ी बहुत कमी होगी वो हम पूरी कर देंगे। अरे हाँ प्रहित जी, वो मेरी फ्रेंड है ना बीना, मैंने आपको उसकी तस्वीर दी थी, उसका क्या हुआ? उसका उसका हो गया। तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी, फिर आ जरा पास हम प्यार करें, गाड़ी में रोमांस करें। तू मेरा हस्बैंड, मैं तेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगा, राइट, फिर दूर से आंखें चार करें, काम की कोई बात करें। बदन की खुशबू मुझको उड़ा ले जाए, बाहों में तेरी आके सारा जहां भूल जाए। देखो जरा देखो, कोई खतरा लगता है? अरे खतरा नहीं रे, रास्ता तो साफ सुथरा लगता है। मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी, फिर आ जरा पास हम प्यार करें, रास्ते में रोमांस करें। दूर से आंखें चार करें, काम की कोई बात करें। झूमती ठंडी लहरें क्या कह रही है तुमसे, आओगे कब हमें मिलने, पूछ रही है हमसे। और मैं क्या बोलूं, मुझको तो आइडिया अच्छा लगता है। मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी, फिर आ जरा पास हम प्यार करें, पानी में रोमांस करें। दूर से आंखें चार करें, काम की कोई बात करें। नहीं ये मुझको तो कोई अपना लगता है। मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी, फिर आ जरा पास हम प्यार करें, डिस्को में रोमांस करें। तू
मैं तेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तो करेगा राइट। दूर से आंखें चार करे, काम की कोई बात करे। ला 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 ला। शादी की तारीख पक्की हो गई है। हाँ मेम साहब, तेरी शादी भी दूसरे दिन है। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों एक ही शहर में जा रहे हैं, इसी बात से मिला हाथ। ये क्यों है? शादी की मेहंदी। बड़ी सुंदर बहू लाई हो। सॉरी डार्लिंग, इन पुराने जमाने की औरतों ने अभी तक तुम्हें 6 गज की साड़ी में लपेट कर रखा है। मुझे तो देखकर इतनी तकलीफ हो रही है, तो तुम्हें ये पहनकर कितनी तकलीफ हो रही होगी, है ना? चलो चलो, अब ये घूंघट हटाओ और ड्रेस चेंज करो। व्हाट? अरे ये क्या कर रही हो? आई एम नो गॉड, मैं भगवान थोड़ी हूँ, मेरा पाँव की छू रही हो? लगता है ये भी तुम्हें किसी बुढ़िया ने सिखाया है, लेकिन गलत सिखाया है। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मेरे साथ फ्रेंड की तरह रहे, यू नो, लाइक अ यार। दूध? सुहाग रात को पति और पत्नी दूध पिए? अरे ये पुराने जमाने की रीत है, यू नो द लेटेस्ट रीत। पति और पत्नी शराब पिए, मैं तुम्हारे लिए पैक बनाता हूँ। पानी मिलोगी या सोडे में? शर्मा गई। अरे अगर एक पैक पियोगी ना तो सारी शर्म। आओ आओ ना। आर यू जोकिंग? पत्नी पति को पान खिलाए, ये भी कल का रिवाज था? आज का लेटेस्ट फैशन क्या है मालूम है? पति सिगरेट सुलगाए और पत्नी को पेश करे स्मोक। क्या कॉमेडी कर रही हो तुम? अच्छा अच्छा, लगता है ड्रेस में तुम्हारा मूड नहीं बन रहा है। चलो सबसे पहले ड्रेस बदल लो, आओ। कम ऑन कम। ये देखो, एक एक ड्रेस तुम्हारी पसंद के मुताबिक और लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट फैशन, जो भी ड्रेस तुम्हें पसंद हो ना पहन लो। चलो। ए, क्या सोच रही हो? जल्दी करो, मैं तुम्हें इन कपड़ों में देखने के लिए बेचैन हूँ। जी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। What? क्या मस्ती कर रही हो यार? अब छोड़ो भी ये मजाक, come on, go and change। नहीं, ये मजाक नहीं जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं गांव की सीधी साधी लड़की हूँ, ऐसे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। ये क्या कह रही हो तुम? जी, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर ये तस्वीर कहाँ से आई? कहाँ से आई? ये तो मेरी एक सहेली ने जबरदस्ती अपने कपड़े पहनाकर मेरी तस्वीर खींच ली। मुझे तो बेशर्मी के कपड़ों से घिन आती है। मैंने किसी औरत को शराब या सिगरेट पीते हुए कभी नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ मुझे धोखा दिया गया है। तुमने अपनी झूठी तस्वीर भेजकर मुझे फंसाया ताकि मेरी पत्नी बनकर मेरी दौलत पर कब्जा कर सको। नहीं नहीं, मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मेरी सहेली ने मुझे पता बगैर ये तस्वीर पुरोहित जी को दे दी थी। मेरे से बात चाहता था तेरी बीवी अल्ट्रा मॉडर्न हो, जो मेरे साथ पार्टी में क्लब्स में जा सके, जिसे लोग देखें तो देखते ही रह जाए। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, जो चीटेड मी, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया। नहीं, मैंने ऐसा। शट अप। कितने सुंदर घर में तो आ गई हो, लेकिन याद रखो तुम मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। मैं
क्या सोच रहे हो? यही कि तुमने इतनी जल्दी कपड़े उतार दिए। ओह, तुम्हारा मतलब है वो? चार बूढ़ी औरतों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती एक लंबी चौड़ी साड़ी पहना दी और जेवरों से ऐसे लाद दिया जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोझा उठाने वाली बैलगाड़ी। मैंने कमरे में आते ही सब उतार के फेंक दिया। अरे तुम अभी तक ये बंदर क्यों बने हुए हो? बंदर? मेरा मतलब है अभी तक वही कपड़े पहने हुए हो, शेरवानी पगड़ी। नाइट सूट नहीं है तुम्हारे पास? डोंट वरी, मैं कल ही जाकर तुम्हारे लिए एक फर्स्ट क्लास नाइट सूट खरीद कर लाऊंगी। तुम मेरी नाइटी की तरफ देख रहे हो? ये मैंने खास ऑर्डर देके बनवाई है आज रात के लिए। अच्छी है ना? कुछ तो बोलो ना यार, आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है, वाइफ हस्बैंड के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। वैसे कमरे में दाखिल होते ही मैं सारे पॉइंट समझ गया। मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं। मुझे मालूम है, तुम यही कहोगे ना कि मेरी तनख्वाह 1000 रुपए महीना है, अपने खर्चे कम करो और सख्त कंजूसी के साथ घर चलाओ। लेकिन मेरे पास इतना पैसा है कि अगर तुम जिंदगी भर खाते पीते रहो, मजे करते रहो तो भी खत्म नहीं होगा, और तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम कल ही जाकर इस्तीफा दे दो। आज के बाद में क्लब, पार्टी, पिकनिक, मूवीज, जहां भी जाऊंगी ना तुम मेरे साथ रहना। मतलब तुम्हें पति नहीं बॉडीगार्ड चाहिए? तुम जोक बहुत अच्छे करते हो। जोकर ही तो हूं मैं। चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। राजू, ये सर चाय तुम लेकर आओ। जी अच्छा। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, इस तरह मत ठुकराइए मुझे। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि जैसी पत्नी आप चाहते थे मैं वैसी नहीं हूँ, लेकिन तकदीर मुझे आपके पास ले आई है। अगर मैं आपकी पत्नी बनने की योग्य नहीं हूँ तो मैं नौकरानी बनके इस घर में रह लूंगी। कुछ भी बनकर, लेकिन अपनी ये शक्ल मुझे कभी ना दिखाना। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। सुना नहीं? चोरी हराम खोर, महारानी की तरह बगीचे में बैठ के हवा खा रही है। मैं पूछती हूँ, बाप के घर से लाखों का दहेज लेकर आई है क्या, जो हाथ पे हाथ धरे यहाँ आराम से बैठ के खाती रहेगी? सुन ले, मैंने नौकरानी को निकाल दिया है, आज से चूल्हा चौका, कपड़ा बर्तन, झाड़ू पोछा सब तुझे ही करना पड़ेगा। चल जाके काम कर। सुना नहीं तूने? चल जाके काम कर। बेटा, आज भी ये सब तुम कर रहे हो? बहू कहाँ है? उसने तो साफ साफ कह दिया पिताजी कि घर का कामकाज करने की ना तो उसे आदत है ना ही जरूरत। मालदार बाप की बेटी है ना? ऐसा नहीं कहते बेटा, अभी कल ही तो आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। जी नहीं, आप मुझसे ये सब उम्मीद ना रखिएगा। ये क्या कह रही हो बेटी? गृहिणी के कुछ धर्म होते हैं, घर की सफाई करना, स्नान करके भगवान के आगे जोत जलाना, पति और उसके परिवार की हर जरूरत का ख्याल रखना। अगर आप यही चाहते थे तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ क्यों की, किसी नौकरानी के साथ कर दी होती। अरुणा, तुम मैं इस घर में तुम्हारी बीवी बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं,
और अगर इतनी ही जरूरत है तो एक के बजाय चार नौकर रख लो, तनख्वाह मैं दे दूंगी। नानी को गर्म पानी चाहिए, वाटर हीटर कहाँ है? हीटर तो नहीं है, सिर्फ वाटर है। और गर्म पानी चाहिए तो पतीला वहां पड़ा है, खुद गर्म कर लो। वॉश मशीन भी नहीं है? है ना। कहाँ है? पड़ोस के घर में। कीड़े पड़े तेरे सारे बदन में, घर का पूरा काम बाकी पड़ा है, वो कौन करेगा? तेरी अम्मा चुड़ैल या तेरा बाप कमजात? कान खोल कर सुन ले, जल्दी जल्दी ठीक तरह काम नहीं किया तो चूल्हे में घास से गाल कर सुलगा दूंगी, समझी? चल। अरे राम राम राम, इसके मारे तो मेरा पूजा पाठ भी खराब हो गया है। ठीक, चल जल्दी जल्दी कर, नहीं तो ठोकर मार के निकाल दोगे यहाँ से। अरे राम राम राम। अरे अरुणा, तू कब आई? What is this nonsense यार? मैं ये सोचकर आई थी कि तू इस शानदार महल में रानी बनकर खुशियों से चमक रही होगी, पर तू तो नौकरानियों की तरह फर्श चमका रही है। तो उसमें बुराई क्या है? अपने घर की सफाई खुद करना गलत काम है क्या? रहने दे रहने दे, मुझे बेवकूफ मत बना, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसे तुझे इतना फटकारा, बाल पकड़े, उस बुढ़िया की ये मजा मेरी सास है। सास है तो क्या हुआ, तू उससे क्यों डरती है? मैं जो तेरे साथ हूँ, मैं औरतों को जुल्म से आजाद कराऊंगी। मैं इस शहर की क्रांतिकारी नारी केंद्र की सेक्रेटरी हूँ और तुझे भी मेंबर बनाने आई हूँ, समझी? ना बाबा ना, मैं पहले ही तेरी बातों का मजा ले चुकी। कौन सी बात? वो जो तूने जबरदस्ती मुझे अपने कपड़े पहनाकर मेरी तस्वीर ली थी। तो क्या हुआ, उसी तस्वीर की वजह से तो तुझे ये ऐशो आराम, ये शानदार घर सब कुछ मिला है। अगर पति का प्यार ना मिले। वीना, क्या बात है? शायद मैं ही उनके काबिल नहीं। क्या? वो चाहते हैं मैं उनके सीधे कपड़े पहनूं, उनके साथ क्लबों में जाऊं, लोगों के साथ नाचूं, घूमूं, फिरूं। और तूने ना कर दी होगी? रही ना वैसे की वैसे, तुझे तो 10,000 साल पहले पैदा होना चाहिए था। मेंढक की तरह अंधे कुएं में बैठी है, जरा बाहर निकल के देख, दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है। बेहूदा कपड़े पहनकर अपना नंगा शरीर लोगों को दिखाना तू इसे तरक्की कहती है? गैर मर्दों को अपनी बाहों में लेके नाचना ये तरक्की है क्या? अरे पागल, अगर अपने मन में पाप न हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। कीचड़ में से कितना भी बच के निकलो, कोई ना कोई छींटा तो बदन पे पड़ ही जाता। इसका मतलब है कि तूने कसम खा रखी है ना सुधरने की। ठीक है, तेरी मर्जी, अगर कभी ख्याल बदल जाए ना तो मुझे बुला लेना। ये किधर आ गया मैं? डार्लिंग, छह दिन बाद टूर से लौट के घर आए हो, आधे फिर कहाँ चल दिए? नहीं वो क्या हुआ, देखो तो सही, छह दिन में ही मैंने सारे घर का नक्शा यूं बदल दिया। वो घंटी, टेलीफोन लग गया है। हेलो, अरुणा गुप्ता स्पीकिंग। आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या है कि मैं ऑलरेडी क्रांतिकारी नारी केंद्र की सेक्रेटरी हूँ और महिला सभा की ज्वाइंट सेक्रेटरी और लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट। इन सब की मीटिंग्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपके क्लब की प्रेसिडेंट कैसे बन सकती हूँ? आई एम सो सॉरी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। रामो, आगे से आपका बैग ले जाओ। देखो तो कैसा था और अब कैसा लग रहा है? कौन? घर। घर तो पहले लगता था, अब तो लगता है फर्नीचर की दुकान है। मैंने इतना रुपया खर्च करके घर को सवारा और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो?
अरुणा, सिर्फ रुपया खर्च करने से घर अगर खूबसूरत बनता तो कोई भी ब्रह्मचारी शादी करके बीवी घर न लाता, कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के ढेरों फर्नीचर लाके घर में पटक देता। क्यों अरुणा, ये कारपेट, ये सोफा सेट, ये कीमती पर्दे, ये टीवी, ये स्टीरियो, इन चीजों से घर नहीं बनता। घर घर बनता है औरत की प्यार से, उसकी उसकी मुस्कुराहटों से, उसके मीठे बोलों से। और इन चीजों पर तो एक रुपया भी खर्च नहीं होता। तुम्हें अपना रुपया बचाने की फिक्र है ना, लेकिन मैंने तुम्हारा कुछ खर्च नहीं किया, सब कुछ अपने बाप के पैसे से लाई हूँ। मुझे इसलिए तो अखरता है। मेरी समझ में नहीं आता, तुम खुद तो एक पैसा खर्च करने के काबिल हो नहीं, अगर मैं अपने बाप का पैसा खर्च करती हूँ तो वो भी तुम्हें अखरता है? हाँ, क्योंकि मेरा उसूल है जितना मैं कमाता हूँ उतने में ही हम लोग अपना घर चलाएं और खुश रहें। जो रुपया मेरी कमाई का नहीं वो मेरे घर पे खर्च हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम अपने उसूलों पर मेरा हर शौक, मेरी हर पसंद कुर्बान कर देना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं अपनी आजादी छोड़ दूं, अपनी जिंदगी का स्टाइल छोड़ दूं। ये कभी नहीं होगा, देखती हूँ क्या कर लोगे तुम। मैं जब तक बर्दाश्त कर सकूंगा करूंगा, बात जिस दिन हद से बढ़ जाएगी पता नहीं क्या करूंगा। अजीब पागल से पाला पड़ा है। मालकिन, मालकिन। अरे अरे वाले थे बच्चे, दूर हो जा यहाँ से, तेरा साया भी पड़ गया तो मेरा नहाया धोया सब भ्रष्ट हो जाएगा। मालकिन, मेरा बच्चा बुखार से बेहोश पड़ा हुआ है। तो मुझे बताने से क्या फायदा, किसी अस्पताल में ले जा। वहीं से तो आ रहा मालकिन, डॉक्टर ने ये दवाइयों का पर्चा दिया है। तेरा मतलब है दवाओं के लिए पैसे मैं दूं? हरे राम, मेरे पास पैसे कहाँ, मेरे पास राम नाम के सिवा कुछ नहीं। हरे राम, अरे गंगा कहाँ मर गया था तू, आमों के पैसे लाया? हाँ लाया हूँ माँ जी। लाया, ला। अरे अकल के अंधे, चिल्लर अलग रख और नोट अलग। अच्छा माँ जी। हरे राम 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 हरे राम। अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है, मैंने नोटों पर गंगाजल क्यों नहीं छिड़का? अरे मूर्ख, ये सरकारी कागज है, किसी के हाथ लगाने से भ्रष्ट नहीं होते, जा तू नहीं समझेगा। हरे राम हरे राम हरे राम। मैं आपके आगे झोली फैलाता हूँ, इसमें से मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है मालकिन। अरे बुद्धू, ये आमों के पहली फसल की कमाई है, ये मैं भगवान की हुंडी में डालूंगी, नहीं तो ऐसा श्राप लगेगा मैं भी अंधी हो जाऊंगी और तेरा सारा खानदान भी अंधा हो जाएगा। जा यहाँ से, जा जा। हरे राम हरे राम हरे राम। जा यहाँ से। हरे राम हरे राम हरे राम। क्यों जी, तुम अभी तक यही खड़े हो, जल्दी जाओ पिटवा के लिए दवा लेकर आओ, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। क्यों जी सुन रहे हो, जल्दी जाओ। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, शांति शांति शांति। ये बटवा जो इसने चुराया है आपका है? नहीं साहब। आपका है भाई साहब? पवन जी तोड़ा है? नहीं महाराज, मतलब आप में से किसी का भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। आप कौन है? हम, ये मेरे पति श्रीमान शंकरलाल, और ये है मेरी धर्म पत्नी श्रीमती पार्वती देवी। ओ अच्छा, और ये जो बटवा इसने चुराया है वो हमारा है। आपका है जी, इसलिए आज की तारीख में अगर इस आदमी को मारने का किसी को हक है तो वो सिर्फ हमको है और किसी को नहीं। सही कहा, फिर हम लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर आप ही मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ देंगे तो फिर हम लोग क्या तोड़ेंगे। जय आप। श्रीमती जी, अब इसका क्या किया जाए? जो भी 2-4 हड्डियां बची हूँ उसे भी तोड़ डालिए और पुलिस के हवाले कर दीजिए। पुलिस क्या करेगी? 1-2 साल जेल में रखेगी और चक्की पिसवाएगी। That is not the problem, जी। जब ये जेल से बाहर आएगा इसकी बीवी इसकी इज्जत करेगी।
चलो मान लेते हैं बीवी इज्जत कर भी लेगी, क्योंकि हमारे देश में पति कैसा भी हो पत्नी को उसकी इज्जत करनी ही पड़ती है। लेकिन श्रीमती जी समाज क्या करेगा? समाज चोर कहकर इसके मुंह पर थूकेगा। मतलब इसकी एक गलती की वजह से इसका सारा भविष्य। विनेश कुछ समझे? लाओ दे दो बटवा। अच्छा आइंदा चोरी मत करना। अरे सुनो भाई, कमाल है आपने अपना बटुआ वापस ले लिया और उसे कह दिया आइंदा चोरी मत करना। तो ये चोरी करना बंद कर देगा क्या? तो इसने चोरी क्यों की, इसकी मजबूरियां क्या है ये जानकर इसकी तकलीफ दूर करना क्या हमारी ड्यूटी नहीं है? अच्छा 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 समझ गया, आपका कहना है कि हमें अपनी ड्यूटी शुरू कर देनी चाहिए। अवश्य। ओम श्री गणेशाय नमः। अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई काम आप नहीं करते हो? माली का काम करता हूँ। ये काम भी करते हैं और चोरी भी करता है? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए माँ जी। अरे ठीक है, रो मत। आखिर बताओ तो सही, तुम्हारी तकलीफ क्या है? मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने चोरी की। मैं चोर नहीं हूँ और अब भगवान जाने मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। अच्छा ठीक है, रो मत। ये लो, ये रख लो। मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दीजिए, इतने नहीं चाहिए। ठीक है सारे रख लो, इलाज के बाद जो पैसा बचेगा उससे तुम एक रिक्शा खरीद लेना, फुर्सत के वक्त रिक्शा चला लेना, आमदनी बढ़ जाएगी और आइंदा तुम्हें ऐसा गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो ले लो भैया। ठीक है ये मैगजीन देखी, क्या फोटो आई है तेरी, वाह। अच्छा अच्छा ये पुरानी मैगजीन है, ये देख। ब्यूटीफुल मामूली मैगजीन है, तेरी फोटो तो किसी बड़े ऑल इंडिया मैगजीन में छपनी चाहिए। तू कहे तो मैं छपवा देती हूँ। रियली? मगर 1000 रुपए लगेंगे। अरे 1000 क्या, 2000 ले लेना। हाँ ये ले, पूरे 2000 है। लेकिन देख तस्वीर जरूर छपनी चाहिए। अरे डोंट वरी यार, बिल्कुल छप जाएगी। और सुन तस्वीर के नीचे लिखवाना अरुणा गुप्ता मॉडर्न औरतों की नेता। अरे नहीं यार, मॉडर्न औरतों की इंटरनेशनल नेता। अरुणा गुप्ता जिंदाबाद, अरुणा गुप्ता जिंदाबाद। लेट्स स्टार्ट। वाह फैंटास्टिक। पिछले 3-4 दिनों से कभी कभी मतली सी होने लगती है, जी घबराने लगता है। मतली हुआ? नहीं, 2 महीने हो गए। ओ, इट मींस अरुणा गुप्ता माँ बनने वाली है। अभी 4 महीने भी नहीं हुए इसकी शादी हुए और इतनी जल्दी प्रेग्नेंट। आई एम सॉरी फॉर यू अरुणा, इतनी छोटी उम्र में बच्चा पैदा करने से बॉडी की फॉर्म बिगड़ जाती है, सेक्स अभी चला जाता है, शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे एक्सीडेंट के बाद कार की हालत होती है। सुनो अगर तुझे बच्चा नहीं चाहिए तो आजकल ये कोई झंझट वाली बात नहीं है। Abortion these days is legal. Only 75 rupees and 75 minutes. It's so easy. अरे यार एक डॉक्टर संतानवती है, इस काम में एक्सपर्ट, पेट से बच्चा ऐसे निकाल देती है जैसे कोई कान से मैल निकालता है। अच्छा बेटी इधर आना जरा। क्या बात है? बताता हूँ, जरा अंदर आओ आओ।
बेटी वो जल्दी कही ना, मेरे सब फ्रेंड्स उधर बैठी हुई हैं। समझ में नहीं आता, मर्द होते हुए तो इससे कैसे बात करूं? ऐसी कौन सी बात है बहू? अपने बेटे की शादी मैंने इसलिए की कि मेरे मन में एक चाहत थी कि मैं अपने पोते को इन हाथों में उठाऊं, उसे खेलूं, उसे बातें करूं। आप कहना क्या चाहते हैं बहू? एक स्त्री की शान बहू, बेटी, बहन या बीवी कहलाने से इतनी नहीं बढ़ती जितनी माँ कहलाने से बढ़ती है। ये जो बड़ी क्रांतिकारी औरतें यहाँ आई हुई हैं, मुझे मालूम नहीं वो माएं हैं या नहीं, लेकिन तू उनके कहने में आकर बेटी किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास मत चली जाना। यानी कि आपकी ये पोती की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं अपनी ब्यूटी कुर्बान कर दूं, यही कहना चाहते हैं आप? बेटी, संतान को जन्म देने से माँ का रूप कम नहीं होता और निखरता है। मातृत्व यानी कि मदरहुड औरत का श्रृंगार है। कुछ भी फैसला करने से पहले बेटी तू अपने मन के दर्पण में झांक और बता क्या तुझे चाहने कि तू माँ बने। जैसे भगवान ने संसार को पैदा किया तू भी किसी को पैदा करे। इस बूढ़े की बात को मत ठुकराना बेटी, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। देख देख भगवान की भी यही मर्जी है। All right. आप बुजुर्ग, हम नौजवानों को हमेशा इसी तरह जज्बाती बातों से बात देते हैं। हे भगवान, अरे वीणा बेटी, अभी तक तुम यहीं बैठी हो, घर नहीं गई? बस अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी पुजारी जी। भगवान के निकट बैठ के मन को बहुत शांति मिलती है। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ बेटी, शंकर पार्वती की दया से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारा पति जल्दी ही तुम्हें स्वीकार करेगा। उसी एक आशा पे तुम्हें जी रही हूँ पुजारी जी, वरना मेरे जीवन में रखा ही क्या है। दिल छोटा ना करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ बेटी, मैं कल तुम्हारे गांव जा रहा हूँ, तुम्हारी मौसी को कोई संदेशा देना है। उनसे कहिएगा मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। बेटी, आंखों में दुख के आंसू भरे हैं और संदेशा भेज रही हो कि तुम सुखी हो। आप तो जानते हैं पुजारी जी, मौसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी माता, पिता, मेरा सब कुछ मौसी ही तो है। वो इस ख्याल में खुश हैं कि मैं एक बड़े घर की बहू बन के राज कर रही हूँ यहाँ। अपना दुखड़ा सुनाकर मैं उनकी खुशी जीना नहीं चाहती। अच्छा बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। श्रीमती, बात कुछ आई समझ में? हाँ श्रीमान, वही भारतीय नारी की कहानी, पति का तिरस्कार, ससुराल में अत्याचार, जीवन में अंधकार। अब कैसे होगा इस लड़की का उद्धार? हो जाइए ड्यूटी के लिए तैयार। ओम श्री गणेशाय नमः। अरे उधर कहाँ चल दिए? जाकर उस लड़की से पूछते हैं उसका पति उसे स्वीकार क्यों नहीं करता। नहीं श्रीमान, उस लड़के के संस्कार इतने अच्छे हैं, विचार इतने ऊंचे हैं कि वो अपनों को अपना दुखड़ा सुनाना नहीं चाहती, तो पराया को क्या बताएगी। तो क्या किया जाए? पुजारी जी से पूछते हैं, उन्हें सब मालूम होगा। अरे बाबूजी, बीबी जी, अरे तुम? जयराम जी की। जयराम जी की। आप यहाँ? हाँ, हम इस घर के मालिक से मिलना है। तुम यहाँ काम करते हो? जी बीबी जी। बाबू जी, आपकी दया से मेरी सारी मुश्किलें हल हो गई। अरे ओ धन्नो धन्नो, इधर इधर जल्दी। क्या है जी? अरे यही वो देवी देवता है जिनकी वजह से हमारे बेटे की जान बची। प्रणाम कर। पाए लागू बीबी जी, जीते रहो। अरे कितना प्यारा बच्चा। क्या हुआ बीबी जी? हम लोग अछूत हैं। अछूत जी बाबूजी, कहीं बड़ी मालकिन ने देख लिया कि आपने हम लोगों को छुआ है तो आपको घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। ओ, तो इस घर में ये समस्या भी है?
नेचुरली बड़ी मालकिन बड़ी समस्या। अरे क्या मुर्गों की तरह हाथ चला रही है, जरा जोर से दबा। हाँ और जोर से। अरे जोर से दबा। हाय राम मुश्तंडी, मेरा पांव तोड़ने आती है। उठ जा, बाथरूम में ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, उन पर जोर निकाल अपना जा करके। कौन है आप? मैं पूछती हूँ कौन है आप? अजी आप कौन हैं? ये कौन है? मैं कौन हूँ? हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ जाएंगे? इन सवालों का जवाब आज तक सारी दुनिया में कोई नहीं दे सका। चंडिका देवी। चंडिका देवी? कौन चंडिका देवी? आप शायद पता भूलकर यहाँ आ गए। जी नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं पता लगा कर ही जाते हैं। आपका एक राजकुमार जैसा बेटा है। पर आपने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की जी, और घर में एक लक्ष्मी जैसी बहू लाई। लक्ष्मी जैसी है? किसी कंगाल की बेटी है वो चुड़ैल। देखा श्रीमती जी, सास ने बहू का कितना प्यारा नाम रखा है, चुड़ैल। हाँ श्रीमान, सास हो तो ऐसी, अपना नाम तक दे दिया है बहू को। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आपकी जो बहू है ना उसके रिश्तेदार हैं हम, बहुत दूर के। दूर के हो या पास के, उसका कोई रिश्तेदार मेरे घर में कदम नहीं रख सकता। निकलो यहाँ से। निकलते हो या बुलाऊं किसी को? किसी को? किसी को किस लिए? बुढ़ी हो गई है ना, इनके अपने हाथ पांव काम नहीं करते। क्या कहा? अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। जाती हो या नहीं? शांति 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 की बच्ची, तू ऐसे नहीं मानेगी। मेरे ऊपर हाथ उठाती है, माजी क्या हुआ? क्या हुआ माजी? इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये हमें साष्टांग प्रणाम करें। उठे माजी, उठे। चल हट, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर मुझे पिटवाया और ऊपर से हमदर्दी जताती है। हाँ बेटी, हम दोनों तुम्हारे रिश्तेदार हैं, बहुत दूर के। अरे अरे, इस तरह हैरान होकर क्या देख रही हो? हम तुम्हें समझाते हैं, आओ आइए ना। देखो बेटी, तुम्हारी एक मौसी है ना, तुम्हारे पिता उसके बहनोई, और उस बहनोई जी के एक भैया जी हैं, और उस भैया जी के एक दादाजी हैं, और उस दादाजी के एक पोते जी हैं, और उस पोते जी के एक भतीजी हैं, और उस भतीजे के हम भाई हैं, और हम भाभी। देखो बेटी, ये रिश्ता जरा पेच वाला जरूर है, घसीटाराम हलवाई की जलेबी की तरह, लेकिन है बड़ा मीठा। इन शॉर्ट, मैं तुम्हारा चाचा हूँ और मैं तुम्हारी चाची। हाँ बेटी, परसों पहले हम परदेश चले गए थे, तब तुम इतनी सी थी। हाँ हाँ, जब वापस आए तो पता चला तुम्हारी शादी भी हो चुकी, इसलिए तो हम तुम्हें देखने चले आए। अरे अरे ओ वीना की बच्ची, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, आने दे मेरे बेटे को, फिर देख कैसे निकलवाती हो तेरे रिश्तेदारों को। What is the sure in the house, mom? Yes, sure. बेटा, बेटा, तेरे जोरू ने अपने रिश्तेदारों को बुलवा कर मुझे इतना पिटवाया है, और ये चुड़ैल अच्छी तरह खबर ले इसकी। विस्की? No, mom, thank you. आज मैं बहुत विस्की पिए, वॉच, बहुत विस्की पिए। Hello, my dear friend. Friend? What friend? अरे, इतनी जल्दी भूल गए? Remember? अमेरिका में न्यूयॉर्क, बर्लिन में जर्मनी, जर्मनी में बर्लिन, जापान में टोक्यो, फ्रांस में पेरिस, वी मेट एट पेरिस, राइट ऑन टॉप ऑफ द आइफल टावर, वंडरफुल वंडरफुल, वेलकम टू इंडिया। ऑलराइट ऑलराइट, सॉरी, थैंक यू मॉम, दे आर माय फॉरेन फ्रेंड्स, आज ये लोग यही रहेंगे, गिव देम टॉप। Top class treatment.
friend. Thank you very much. God bless you, friend. Sure. Yeah. Hare Ram, मेरा बेटा भी इन गुंडों के साथ मिल गया। ए पुरे, सुना नहीं तुम्हारे बेटे ने क्या कहा? चल, फौरन हमारा सामान ऊपर के कमरे में ले जाओ। क्या? नहीं, लाती हूँ, लाती हूँ। पुजारी जी ने ठीक ही कहा, मेन विलेन इसका स्वर्गीय बाप था। इससे पहले कि ये अपनी जिम्मेदारियां समझ सकता, बेपनाह दौलत इसके हाथ में दे दी और ऊपर से फौरन भेज दिया। लेकिन फौरन तो कितने लोग जाते हैं और ठीक ठाक वापस आते हैं? उनकी भी तो कमी नहीं जो लौटने के बाद इसकी तरह फौरन के नशे में डूबे रहते हैं। तो फिर हो जाए शुरू। ओपन योर आईज बिलवड फ्रेंड। देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? क्या क्या लाए हो? अमृत। विस्की प्लस सोडा इज इक्वल टू जिंदगी माइनस गम। उमर खयाम का नुस्खा है, जल्दी से गड़गड़ आ जाओ। व्हाट हू आर यू? इस दुनिया में वापस आ रहा है। आप लोग बोलते नहीं है, कौन है आप लोग? अरे फ्रेंड, इतनी जल्दी भूल गए? भूल गए फ्रांस, पेरिस, आईफिल टावर। क्या बात है, कितने कल्चर आदमी हो, कितनी दौलत है तुम्हारे पास। तुम्हारी जिंदगी कितने मजे के साथ गुजरती अगर तुम्हारी शादी किसी फैशनेबल लड़की के साथ होती। मगर तुम्हें गांव की लड़की से शादी करके पछता रहे हो ना? ये सुनकर बहुत दुख हुआ हमें। हमारा तो दिल टूट गया। यू नो व्हाट माय रियल ट्रबल इज? व्हाट 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 माय रियल ट्रबल इज? मेरी बीवी साड़ी पहनती है। साड़ी पहनती है? ये तो कुछ नहीं फ्रेंड, वो सिगरेट नहीं पीती, क्लब नहीं जाती, विस्की नहीं पीती। माय गॉड, इतनी बुरी लड़की है वो? दिस इज नो ट्रबल फ्रेंड, दिस इज ट्रेजेडी, ट्रेजेडी। यस ट्रेजेडी गर्ल, आई डोंट लाइक हर। आर यू रिलैक्स फ्रेंड, हम तुम्हारी वाइफ और लाइफ दोनों को यूं चेंज कर देंगे। वाइफ को चेंज कर दो। नहीं नहीं, वाइफ को चेंज नहीं करेंगे, वाइफ में चेंज ले आएंगे। वाइफ में चेंज? हाँ, ये हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। हाँ, तुम फिक्र मत करो दोस्त, एक बार जो काम हम हाथ में ले लेते हैं वो करके दिखाते हैं। चीयर। हेलो, अरुणा हियर। हाय हेमा, क्या कहा? तुम सब मेंबर्स मिलके पिकनिक पे जा रहे हो? अरे टेलीफोन तक तो आ नहीं सकती, पिकनिक पे क्या आऊंगी? हाँ तू तो मेरी हालत जानती है ना। हाँ थैंक यू, बाय। ओह गॉड, माय लाइफ हैज बिकम हेल। क्यों, अब क्या हुआ? ये फूला हुआ पेट लेकर ना तो मैं अपनी फ्रेंड से मिल सकती हूँ और ना कहीं बाहर जा सकती हूँ। ये सब तुम्हारा कसूर है। हाँ, कसूर सिर्फ मेरा ही है। मुझे थोड़ा ही पता था कि तुम कालिदास की शकुंतला की तरह पहली रात ही गर्भवती हो जाओगी। तुम तो हर बात में मजाक करते हो, चाहे बात कितनी भी सीरियस हो। एक सीरियस बात कहूं? हाँ। अगर गलती से कोई तवायफ भी माँ बन जाती है ना, तो खुशी से फूली नहीं समाती। तुम तो मेरी बीवी हो। हाँ धोती, हाँ देखो ना, लात मारता है। जो बाप नहीं कर सका वो बेटा कर रहा है। Will you keep quiet? मधु,
तो उल्टी सीधी बातों से बहू को गुस्सा दिलाता। मूर्ख, जब स्त्री गर्भवती हो तो उसे खुश रखना चाहिए। बेचारी की न माँ है न सास। जा अपना काम कर, जा। लो बहू, मौसमी का रस पी लो। मुझे नहीं पीना अभी। अच्छा तो जब जी चाहे पी लेना, मगर पीना जरूर। हाँ, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। श्रीमती जी, पत्नी के बारे में जो विद्वानों ने बात कही है, सुनी है आपने? कौन सी बात? कार्येषु दासी करणेषु मंत्री रूपेषु लक्ष्मी क्षमया धरित्री भोजेषु माता शयनेषु रंभा छठ कर्मयुक्ता कुल धर्म पत्नी। मतलब? मैं बताती हूँ। जो दासी की तरह पति की सेवा करे, मंत्री की तरह पति को मशवरा दे, सुंदरता में लक्ष्मी जैसी हो, धरती की तरह धीरज वाली हो, माता के समान पति को पेट भर खाना खिलाए, प्रेम की सेज पर रंभा की तरह पति का मन मोहे, जिसमें ये छह गुण है वही आदर्श धर्म पत्नी कहलाती है। करेक्ट। अच्छा श्रीमती, पति होने के नाते अगर मैं तुम्हें कोई ऐसा लिबास पहनने के लिए कहूं जो तुम्हें ना पसंद हो लेकिन मुझे पसंद हो, तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगी? अभी बता दे। कहिए, इस लिबास में मैं कैसी लगती हूँ? बहुत ही खूबसूरत। जी चाहता है गले लगा लो। सुना इन्होंने क्या कहा? देखो बेटी, अगर किसी खास लिबास में पत्नी पति के मन को भाती है तो वो पहनने में कोई बुराई नहीं, मगर हाँ, यही लिबास अगर कोई दूसरा पहनने के लिए कहता तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। बेटी, तुम भी इसी तरह अपने पति के मन भाते कपड़े पहनोगी तो वो तुम्हें अपनी जान की तरह हमेशा साथ रखेगा। और अगर तुम्हारा पति तुम्हें किसी क्लब व्लब में ले जाना चाहे तो उसमें डरने की कोई बात नहीं, हम तुम्हें 3-4 पैंतरे सिखा देते हैं, वो तुम अच्छी तरह समझ। सबसे पहले क्लब में दाखिल कैसे होते हैं ये देखो। ये समझ लो क्लब आ गया। अब तुम्हारे पति का कोई दोस्त वहां पर खड़ा है और तुम्हारी तरफ मुखातिब होकर कहता है, हेलो, हाउ आर यू? तुम कहोगी, वेरी वेल, थैंक यू। बस खलास, ये 4 लोग्स कहने, इसमें तुम्हारा ज्यादा क्या है? लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अरे अंग्रेजी क्या, तुम चाहो तो 4 दिन में चीनी भाषा में सीख सकती हो। और तुम्हारा क्या ख्याल है, ये पार्टियों और क्लबों में जो औरतें पन ठन के नरम गरम लिबास पहन के जाती हैं, उन सबको अंग्रेजी आती है? बिल्कुल नहीं, मतलब के 4-5 लफ्ज अपने नाक की चोंच पर उठाए घूमती रहती हैं और जहाँ जरूरत पड़े 1-2 लफ्ज पक्का देती हैं बस। हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब एक बार गौर से सुनो, जब कभी तुम्हें अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़े तो मेरी तरफ नजर करना, मैं एक उंगली दिखाऊंगा तो तुम कहोगी हेलो। क्या कहोगी? हेलो। ऐसे नहीं, जरा अदा के साथ, हेलो हेलो। शाबाश शाबाश, जब 2 उंगलियां दिखाऊं तब तुम कहोगी ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू? ब्लड नहीं, ब्लड का मतलब होता है खून। ग्लैड ग्लैड, ग ग गधे का ग ग।
glad to meet you. शाबाश। तीन उंगलियां दिखाऊंगा तब। Oh, thank you. Oh, thank you. नहीं नहीं। Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, एक। Thank you. Thank you. Oh, thank you. शाबाश। चार उंगलियां दिखाऊं तब गुस्से से shut up. गुस्से से shut up. ओफो गुस्सा तो हिंदी लफ्ज है, shut up अंग्रेजी लफ्ज है. तुम्हें जब भी कहना हो तो अंग्रेजी में तो shut up. अरे ये तो तुम मुझे ही shut up कर रही हो. हाँ बेटी, जब मैं पांच उंगलियां दिखाऊं तब तुम कहना I love you so much. नहीं नहीं नहीं, हमसे ये नहीं होगा. श्रीमती जी ये अदायगी आप सिखा दीजिए. आई लव यू सो मच. इसी अदा पे तो मर मिटे थे हम. अरे बेटी शर्माओ मत, हायर सोसाइटी में घूमने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं. ये सब तुम्हें तुम्हारी चाची सिखा देगी. मेरी तरफ से तुम वो पांच तंत्र याद रखना और जैसा हम दोनों कहें वैसे ही करना. हमारा आशीर्वाद है बेटी, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में खुशी के दीप जगमगा उठेंगे. गुरु गुरु, आने वाला नया साल मुबारक हो. हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. हेलो, एक नई चिड़िया. बेबी यू मे गो. ओके बाय. कहाँ है ऋषि? अरे इधर नहीं गुरु, बैठो बैठो. रेलवे स्टेशन के सामने जो सफेद मकान है ना, उसमें एक जवान औरत है. उसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री, चार दिन पहले उसने अपने मियाँ की जेब में किसी और लड़की की तस्वीर देखी. बस नागिन की तरह फूंकाने लगी, फू फू फू. उसकी मियाँ ने भी उसकी खूब पिटाई की, खूब पिटाई की. तो उसकी बीवी ने उसको धमकी दी कि वो किसी और के साथ भाग जाएगी. वेरी गुड. जहाँ मियाँ बीवी में टक्कर, वहाँ चल गया अपना चक्कर. गुरु एक खुशखबरी तो देना भूल ही गया, ये राजेश और उसकी बीवी में भी कुछ गड़बड़ है. Really? हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते. I see. तो इसका मतलब है अपना चक्कर वहां चल सकता है. हाय राजेश. हाय. हाय. कमाल है यार, आज नए साल के दिन भी तुम अकेले, तुम अपनी बीवी को क्लब को नहीं लाते. लगता है यार तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, इसलिए सबसे छुपा के रखते हो. एम आई करेक्ट? वो पांच तंत्र याद है ना, मेरी तरफ नजर रखना. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हेलो, हाउ डू डू? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. प्यारे, मीट माय वाइफ वीना. व्हाट ब्यूटीफुल. मैं अभी अभी आप ही का जिक्र कर रहा था राजेश से, और मेरा अंदाजा 100% करेक्ट निकला. व्हाट फेस, व्हाट ग्रेस, व्हाट फिगर. वैसे मेरा नाम प्यारे लाल है, लेकिन मेरे खास दोस्त प्यार से मुझे प्यारे कहते हैं. आप भी मुझे प्यारे कह सकती हैं. प्यारे प्यारे. शट अप. आपको बाथरूम जाना है? नहीं नहीं, मुझे मुझे आदत है उंगलियां ऊपर नीचे करने की. उंगलियां. ग्लैड टू मीट यू. सो एम आई. Why don't you join me? Come to my table. Young man, some other time. Some other time. What, uncle? आपने तो एकदम जादू कर दिया है. मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि शीशा भाई. अरे बेटे, ये तो हमारे कमाल का एक छोटा सा नमूना है. What? Sample. आगे आगे देखो. चल डन, लेट्स गो एंड डांस. चलो डांस करते हैं, बहुत मजा आएगा. कम ऑन. नहीं डांस. क्यों? अरे बेटी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं,
ये तो अंग्रेजी डांस है, कोई नहीं कर सकता है। श्रीमती जी नसीहत मेरी यारों सुन लो, बात बड़ी अनमोल है प्यारों सुन लो। एक नसीहत मेरी यारों सुन लो, बात बड़ी अनमोल है प्यारों सुन लो। मेरे वतन के चांद सितारों सुन लो, बात बड़ी अनमोल है प्यारों सुन लो। शर्म का घूंघट है औरत का गहना, बेशर्मी से उसे नकाते हो सबके आगे क्या कहना। बाहर की मत नकल उतारो सुन लो, बात बड़ी अनमोल है प्यारो सुन लो। मुख चूमो तो इसको फैशन बतलाओ, दूसरी औरत का मुख चूमो तो इसको फैशन बतलाओ। मगर तुम्हारी बीवी को कोई प्यार करे तो देख न पाओ। होश में आओ अकल के मारो सुन लो, बात बड़ी अनमोल है प्यारों सुन लो। रहे तुम आत्मा उनके पास कहाँ है, जिनके रंग में डूब रहे तुम आत्मा उनके पास कहाँ है। ये है अपना देश जहाँ पर दिल है जिंदा रूह जवां है। देखो मेरी ओर निहारो सुन लो, बात बड़ी अनमोल है प्यारो सुन लो। एक नसीहत मेरी यारो सुन लो, बात बड़ी अनमोल है प्यारो सुन लो। मॉम सिया बहू। वाह वाह वाह, गांव की भूतनी क्या मेम बनी हुई है, रो निर्लज कहीं की। शट अप, क्या बकवास बंद करो। हैं? मैं नहीं, ये तुम्हारी बहू तुम्हें अंग्रेजी में कह रही है। हैं? अरे बेटा सुन तो। What? देखना तेरी जोरू मुझे अंग्रेजी में क्या क्या गालियां दे रही है। माँ वो अंग्रेजी में कह रही है ना। हाँ। तो ठीक ही कह रही होगी। हाँ? हाँ। तुम नहीं मॉम, डार्लिंग कम ऑन माय स्वीटी। गुड नाइट मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ।
हरे राम, ना जाने इस चुड़ैल ने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया। कैसे खिलखिला कर हंस रहे। श्रीमती, मेरा ख्याल है गाड़ी अब बिल्कुल लाइन पे आ गई है। हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमारी ड्यूटी खत्म कैसे हो सकती है? गाड़ी को जरा स्पीड पकड़ने दो, क्या पता फिर लाइन से उतर जाए। स्पीड? हाँ, पहले ये अलग अलग दो व्यक्ति थे, अभी अभी दो से एक हुए हैं। जब एक से तीन हो जाए तब चले जाएंगे। एक से तीन? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका मतलब है अरुणा, अरुणा अरुणा। ओहो, क्या बात है, इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? ये रो रहा है, इसे दूध पिला दो। वो आया कहाँ, मर गई? वो तो इस वक्त अपने बच्चे को दूध पिलाने घर जाती है ना, लो इसे। अरे वो नहीं थी तो तुम ही पिला देते ना। मैं? क्यों नहीं, जरूरी है कि बच्चे को दूध हर बार मैं ही पिलाऊं? थर्मस में गर्म पानी रखा हुआ है, डब्बे में दूध का पाउडर है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि बच्चे को डब्बे का दूध देने की क्या जरूरत है। तो अरुणा, सिर्फ बच्चा पैदा करने से ही औरत माँ नहीं बन जाती, वो माँ तब बनती है जब वो बच्चे को अपने जिस्म का एक हिस्सा समझती है, उसे प्यार देती है, अपना खून अपना दूध पिला के उसे जीवन देती है। What rubbish? मैं बच्चे को अपना दूध पिलाकर अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। अरुणा, कहाँ जा रहे हो? अब तुम खाम खाम मुझे लेट करवा रहे हो। देखो पौने चार बज गए, चार बजे मेरा लेडीज क्लब में लेक्चर है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठहरो, मेरा ख्याल था कि बच्चा होने के बाद तुम अपना बचपना छोड़ दोगी, पर नहीं, अब भी अपना बच्चा अपना घर अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के ये झूठी नुमाइश और झूठी वाहवा के पीछे भाग रही। मैं सब समझ रही हूँ, लोग तुम्हारी बीवी की तुमसे ज्यादा इज्जत करते हैं, ज्यादा मान देते हैं, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता। क्या बक रही हो? मैं बक नहीं रही, सच कह रही हूँ। हाँ, सोसाइटी में तुम्हारा क्या नाम है, क्या इज्जत है, क्या हैसियत है? मेरी तरफ देखो, मेरा एक स्टेटस है, अखबारों में मेरा नाम छपता है, मेरी तस्वीरें छपती हैं, लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, और इसीलिए तुम मुझसे जलते हो। जो चले सपने। What nonsense! तुम जिस रास्ते पे चल रही वो गलत है, और तुम्हें रोकना मेरा फर्ज है, तुम्हें बदलना मेरा फर्ज। तुम अपने आप को क्यों नहीं बदलते? मेरी जैसी मॉडर्न औरत का हस्बैंड इतने पुराने ख्यालात का है, मेरी सहेलियां मुझ पर हंसती हैं। सहेलियां? वो खुदगर्द और खुशामती औरतें सहेलियां हैं। मेरी दोस्तों के बारे में कुछ मत कह। वो तुम्हारी दोस्त नहीं, दुश्मन है। उन्होंने ही तो तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है, उन पे लुटाने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का रुपया है ना। आई स्टेशन आप तुम समझते हो हाथ उठाना सिर्फ मर्दों को आता है, ये काम औरतें भी कर सकती हैं। अगली बार हाथ उठाने से पहले ये बात याद रखना। आज देश के कोने कोने से औरत की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन सिर्फ शोर मचाने से आजादी नहीं मिलती। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, औरत सही मानों में तब आजाद होगी जब वो जुल्म के खिलाफ बगावत करेगी, जब वो समाज के पुराने रस्मों रिवाज को ठोकर मार देगी, जब उसमें इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो मर्द के सामने सर उठाकर कहेगी कि वो उसकी गुलाम नहीं, उसी की तरह इंसान है और उससे बेहतर इंसान। ब्रावो श्रवण सिंह, ड्रीम ऑफ 16। गुरु, वो देखो ब्लू ड्रेस में टेक्नी कलर मछली। क्या जोरदार चीज दी तूने अरुणा, फैंटास्टिक, यू आर मार्वेलस। अरुणा, एक छोटी चबल दो। अरे
दोस्तों में ट्रबल की क्या बात है? मुझे 2000 रुपए की सख्त जरूरत है। दे सकते हो? जब मेरे पास होंगे वापस कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच यार। अगर थैंक यू वैंक यू बोला ना तो एक मारूंगी खींच के, समझे? सुना क्या हो रहा है भाई? हाँ सूरज मार, देख मुन्ना, देख 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 तेरे नाना जी आए हैं। एक तेरे लिए कितने खिलौने लाया हूँ मैं। कैसे हो दामाद जी? बस ठीक। अरे पिछली दफे मैं आया था तो यह टमाटर जैसा लाल लग रहा था, अब की तरह फीका लग रहा है। नहीं माँ का प्यार उसे जरूरत से ज्यादा मिल रहा है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं ना। मधु बिगड़ते क्यों हो विश्वनाथ? उसे कुछ कहना है कहने दो। क्या बात है बेटे, अरुणा से कुछ गलती हुई है क्या? बुरा मत मानिएगा डैडी, लेकिन अपनी लाडली बेटी की हर मांग पे आप जो हजारों रुपए भेज रहे हैं, कभी आपने सोचा वो उनका क्या इस्तेमाल करती है? और उन्हीं रुपयों के जोर पे वो जो जाने दो बेटा, धीरे धीरे समझ जाएगी, अभी वो बच्ची तो है। हाँ हाँ दूध पीती बच्ची है ना, इसीलिए तो हर बात में अपनी बाप की अमीरी जता के हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती रहती है। बच्ची है तभी तो अपना बच्चा, अपना पति, अपना ससुर, अपना घर बार सब कुछ भुलाकर क्लब्स और पार्टीज में घूमती रहती है। अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने से उसे डर लगता है कहीं उसकी खूबसूरती कम ना हो जाए। बच्ची है ना। बस बेटा बस, मैं सब समझ गया था। कहाँ है वो? ऊपर कमरे में। डैडी आप कब आए? खबरदार जो मुझे डैडी कहा, तेरे जैसी औलाद मेरे घर में पैदा कैसे हुई? अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने से माँ की खूबसूरती चली जाती है? कैसी माँ है तू? अगर तेरी माँ भी यही सोचती तो तेरा एक खूबसूरत थोबड़ा यहाँ ना होता। समझ गई, आती उल्टी सीधी बातें करके आपको बहका दिया उन चुगलखोरों ने। बदतमीज, किसे चुगलखोर कहती है? उस पति को जो तेरे बच्चे का बाप है, उस ससुर को जो इज्जत में तेरे बाप के बराबर है। बेशर्म बेहया, पर तुझे नहीं मुझे अपने मुंह पर मारना चाहिए कि बरसों पहले ये थप्पड़ मैंने तुझे क्यों नहीं मारा? क्यों मैंने तुझे जरूरत से ज्यादा प्यार दिया? क्यों हमेशा अपनी मनमानी करने दी तुझे? क्यों मैंने तुझे इतना रुपया पैसा भेजा कि तू तो अपने आप में न रह सकी? हाँ गलती मेरी है, औलाद कभी गलती नहीं कर सकती। गलती हमेशा उसी की होती है जो औलाद को पालता है। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। आज के बाद मैं तुझे एक पैसा भी नहीं भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो। मधु बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, मुझे माफ कर दो। नहीं डैडी प्लीज। सूरज कहाँ जा रहे हो यार, सब ठीक हो जाएगा। नहीं विश्वनाथ, अब मैं अरुणा की शक्ल उसी दिन देखूंगा जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि वो इस घर में एक अमीर बाप की बददिमाग बेटी बनकर नहीं बल्कि एक आदर्श पत्नी, एक अच्छी मां बनकर रहती है। हो गई ना शांति, करा दिया ना बाप बेटी में झगड़ा। लेकिन इतना याद रखना, आई डोंट केयर, 6 गज की साड़ी पहनकर मैं इस घर में तुम्हारी नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी, और नहीं तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी। मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगी, और तुम जो चाहते हो करके देख लो। Come, darling. Let's drink. Cheers. Come on. आज तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। No. What? No.
अगर आज तुमने की होगी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छी वाइफ कभी हस्बैंड को नाराज नहीं करती। शुरू शुरू में ये कड़वी लगती है, बाद में बड़ा मजा आता है। हाँ ये देखो हम लोग कैसे पीते। माय डियर, पति अगर जहर पीने को भी कहे तो पत्नी को पी लेना चाहिए, ये तो पत्नी का धर्म है। कम ऑन, हैव इट, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। That's nice. Ah, that's nice. Come on, one more sip. That's good. लगता है अब ये मछली आसानी से फंस जाएगी। वो कैसे करूं? Very simple. जब वाइफ ने पीना शुरू कर दिया तो समझ लो कि रास्ता साफ। डाली मुझे नहीं मालूम था शराब में इतना मजा है। आर यू हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। टिप्सी? व्हाट व्हाट हैपेंड डार्लिंग? कम लेट्स डांस, कम ऑन। हे कम डांस बेबी डांस, come on, go and dance. Yeah. तुम मर्दों ने उतारा
कौन है ये महाशय? मालूम नहीं साहब, आज पहली बार इनको यहाँ देखा है। नाम और पता तो है, लगता है ये काफी परेशानियों में है। तो क्या करे? ओम श्री गणेशाय नमः। अच्छा, ये भी आपका कोई फॉरेन फ्रेंड है? नहीं, ये हिंदुस्तानी फ्रेंड है, लोकल। हमारे मामा के भांजे के भाई का बेटा, बहुत ज्यादा पी गया है ना। अच्छा तुम एक काम करो, तुम वीना को लेकर घर चले जाओ, हम अपनी ड्यूटी खत्म करके पहुंच जाएंगे। व्हाट? वीना को लेकर गो होम। करेक्ट। आओ भाई। गुरु, उस रोज लेडीज क्लब के बाहर जो ब्लू ड्रेस में मछली देखी ना, ये शराबी उसका हस्बैंड है। अच्छा मधु, ये तूने क्या किया? मेरे बेटे को कोई बुरी आदत नहीं थी, आज पता नहीं इसे क्या हो गया। इंसान जब शराब पीने लगता है तो उसके दो कारण होते हैं, या तो वो नशे में झूलना चाहता है या किसी गम को भूलना चाहता है। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, इसके दुख का कारण मैं हूँ। इसका सुखी संसार देखने के लिए मैंने इसकी शादी कर दी, लेकिन इसे पत्नी ऐसी मिली जिसने इसका सारा सुख मट्टी में मिला दिया। नानक दुखिया सब संसार, इस दुनिया में कोई न कोई दुख हर एक के साथ लगा है। जो भी तकलीफ आए उसे हंसते हुए झेलना चाहिए। आप अपनी सारी बातें हमें बता दीजिए, फिर आप आराम से बैठ जाइए, हम आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, आपका घर खुशियों से भरपूर कर देंगे। लेकिन लेकिन आप देवता पुरुष हैं कौन? वो सब हम बाद में बताएंगे, जो काम पहले करना चाहिए हम पहले करते हैं। करेक्ट। जाओ सबसे पहले इसका नशा उतारने के लिए तुम नींबू पानी बना कर ले। करेक्ट। भाई साहब, किचन इस तरफ है? उस तरफ। उस तरफ। अरे वाह, अरे वाह, इस घर में ये ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। लड़की है या लड़का? अरे चाय अभी तक नहीं आई। वासु, 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 कहाँ मर गए सबके सब? वासु, ओ वा, कौन है तुम? मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? मैं तुम दोनों से बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं, समझे? कहाँ गए सब नौकर? क्या किसी सीआईडी से पूछूं? उल्टा जवाब देती है, बदतमीज। आई, मुझे बदतमीज कहा? मैं तेरे सारे दांत तोड़ के असली घी के हलवे में छोड़ के बादाम की तरह चबा चबा के खा जाऊंगी, समझी? शराब। ए शराब वाली, जरा जबान संभाल के बात कर, वरना तेरी जबान कट 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 काट के कटलेट बना दूंगा, तुझे को खिला दूंगा, समझे? घबरा गई बेचारी। ओह सॉरी। अरे बेटी, हम तो मजाक कर रहे थे। बेटी, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे हस्बैंड की तरफ से। हाँ, अंकल आंटी। तुम्हारे फादर इन लॉ ने घर का सारा हाल हमें खत में लिखा था, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। हाँ। तो उन्होंने मेरी शिकायत की है? नहीं बेटी, उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं की, लेकिन ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे बेटी? क्या तुम कोई गलत काम कर रही हो? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही लिखा था कि तुम पे जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ है, कहीं तुम सेक्रेटरी हो, कहीं जॉइंट सेक्रेटरी हो, कहीं प्रेसिडेंट हो। तुम्हारे पास इतने काम रहते हैं, इतने काम रहते हैं कि तुम अपने बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पाती। यू मीन कि मैं अपने बच्चे के लिए अपने सारे काम छोड़ दूं? नो 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 नो, कौन बेवकूफ का बच्चा ये कहता है? हम क्या बच्चों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं? नेवर, दुनिया में आज तक कभी भी ऐसा हुआ है? अरे हम बच्चे पैदा करते हैं अपने खुशी के लिए, बच्चों के खुशी के लिए हम थोड़ी पैदा हुए।
ये बात जाकर आप मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ को समझाइए। हाँ हाँ जरूर, जिनको समझाना है समझाएंगे, जिनको सुनाना है सुनाएंगे, और जिनको सुधारना है सुधारेंगे। हम तुम्हारी मदद के लिए ही तो यहाँ आए हैं। करेक्ट, लेकिन सबसे पहले तुम्हें जरूरत है एक सेक्रेटरी की, जो तुम्हारे काम में हाथ बटाए, जो तुम्हारा बोझ हल्का करे। और इसके लिए सेवा में हाजिर है मेरी धर्म पत्नी श्रीमती पार्वती देवी। देखने में बुद्धू लगती है मगर है बड़ी बुद्धिशाली। काफी भारी डिग्री है इनके पास, BA ऑनर्स। और ये है मेरे पतिदेव श्रीमान शंकरलाल। शक्ल से तो भोले शंकर नजर आते हैं मगर है हरफन मौला, डबल में है। जिस कमाल से ये तुम्हें दुनिया की हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, उसी धमाल से ये भिंडी तुल में पका सकते हैं। जब तुम घर से बाहर जाओगी तो ये तुम्हारे बच्चे की देखभाल करेंगे, और जब तुम वापस आओगी तो ये तुम्हें अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएंगे। लगता है बहुरानी को हमारी काबिलियत पर शक है श्रीमती जी। तो आप दिखा दीजिए अपना कमाल। दिखा दें। देखो वाओ, एक्सीलेंट। इसका मतलब हमारी नौकरी पक्की। आज से तुम बहुरानी की जनरल सेक्रेटरी और मैं इस घर का जनरल सर्वेंट, यानी कि मुन्नू। अच्छा सेक्रेटरी आंटी, अब आप तैयार हो जाइए, हमें ठीक 10 बजे यहाँ से निकलना है। ठीक है। ने मुझे सब कुछ बताया है, लेकिन क्या आप सचमुच इस घर की हालत को? तुम बेफिक्र होकर ऑफिस जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, आज से वो सोमरस। मेरी प्यारी बहनों, मैं सारे देश का टूर करके यहाँ आपकी सेवा में आज आई हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी गई, मैंने इस शहर की मशहूर नेता मिसेज अरुणा गुप्ता की बहुत तारीफ सुनी। मैं चाहती हूँ कि आज मैं अपने हाथों से उनका सम्मान करूं, इसलिए मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो मेहरबानी करके स्टेज पे तशरीफ ले आए। जाना, जाना। इतना बड़ा हार, ये तो कुछ भी नहीं है अरुणा जी, आपने यहाँ आने का इतना कष्ट उठाया है। बहुत पोज दे रही है फोटोग्राफर्स को। अरे हाँ गुरु, यही तो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, अखबारों में फोटो छपवाने की। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ क्यों दी है। दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस देश की दुखी महिलाओं के लिए कुल्लू मनाली में 10 लाख रुपए जमा करके एक आश्रम बनाऊं। मुझे विश्वास है कि आप लोग सब इस नेक काम के लिए दिल खोल के चंदा देंगे। मैं चाहती हूँ कि स्त्री जाति की सेवा का ये काम स्त्री जाति की महान नेता मिसेज अरुणा गुप्ता से शुरू हो, इसीलिए चंदे की लिस्ट में मैंने सबसे पहला नाम इन्हीं का लिखा है और इनके नाम के आगे सिर्फ 25,000 रुपए की मामूली सी रकम लिखी है। मिसेज अरुणा गुप्ता, प्लीज 1 मोमेंट, मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। आपको जो कहना है मेरे सामने कह सकती हूँ, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। हाँ, ये मेरी सेक्रेटरी है पार्वती देवी। नमस्ते। वेल यू सी, आई एम सॉरी बट मैं कल सुबह की गाड़ी से दिल्ली जा रही हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि अगर आप चंदा आज ही दे दें तो। सॉरी, मैं आपकी चेकबुक साथ नहीं लाई। कोई बात नहीं, और वैसे भी हमें चेक नहीं चाहिए, हम तो कैश ही लेंगे। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ घर चलूं। नहीं नहीं, मैं शाम को आकर आपको रुपए दे जाऊंगी। आप यही ठहरी है ना? जी हाँ। किस रूम में? 407। देखिए, मैं शाम में ठीक 5 बजे आपका इंतजार करूंगी। आई होप यू गेट द मनी एंड नॉट द चेक, कैश। ओके,
थैंक यू। मार्वलस, फैंटास्टिक। आप जैसी बेमिसाल औरत मैंने लाइफ में नहीं देखी, जो अपना घर, पति, बच्चा सब कुछ भुलाकर औरतों की भलाई के लिए इतना काम कर रही है, सोसाइटी की इतनी सेवा कर रही है। मैं चाहता हूँ आपका इंटरव्यू अमेरिकन मैगजीन लाइफ में छपे, ताकि सारी दुनिया ऐसी आदर्श और आजाद ख्याल औरत के बारे में जान सके। लेकिन आप ये तो एक आदमी है जिनको लाइफ मैगजीन में लाइफ डालने के लिए लाइफ मैगजीन वालों ने सारे हिंदुस्तान का लाइफ कॉरेस्पॉन्डेंट मुकर्रर किया है, मिस्टर प्यारेलाल। कोई लाख रुपया भी दे तो ये किसी की तस्वीर नहीं छापते, लेकिन आपको देखते ही फैसला किया है कि आपकी फोटो लेंगे, अमेरिका भेजेंगे और लाइफ मैगजीन में छापेंगे। Really? क्या मैं लाइफ मैगजीन के काबिल हूँ? मेरी फोटो छप सकती है? Of course, your photograph. लेकिन मैं ये काम जरा इत्मीनान से करना चाहता हूँ। Here is my card, रासलीला चौक नंबर 10, मेरा वहाँ फोटो स्टूडियो है। अगर आज शाम वहाँ 5 बजे आ जाए तो आज शाम को तो मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, कल आ जाइएगा, ये कहीं नहीं जाएंगे। मैं कल जरूर आऊंगी, आपने मुझे इस काबिल समझा, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी हवा धीरे से चल, सोता है मुन्ना हमारा, झूले में कैसा टिम टिम करे माँ के नसीबों का तारा, सोता है मुन्ना हमारा। हेलो, अरे मैं तुझे ही फोन करने वाली, नहीं तू बता, मैं आ गई। चुप हो गया रोते रोते, जागे नहीं सोते सोते, रहना कदम रोके, बोला है ये नाजुक है ये, ऊपर से है बेसहारा, थोड़ी हवा धीरे से चल, सोता है मुन्ना हमारा। उसकी नादानी, मैंने तो आज देखा यहाँ बिल्कुल ये उल्टा नजारा। इसे छोड़ करके मम्मी गई बन सवर के, निकली है यूं घर से, जैसे ये अपना नहीं भूजा है कोई बिचारा। थोड़ी हवा धीरे से चल। Stop it! श्रीमती जी, क्या बात है, आज बहुरानी का मूड काफी बिगड़ा हुआ है। हाँ, क्या करे भैया जी, एक जगह चंदा देने का वादा कर बैठी, अब मुश्किल में है।
इसे 25,000 रुपया चाहिए इसी वक्त। बस सिर्फ 25,000? कौन सी बड़ी बात है, पौरानी की इतनी सहेलियां हैं, इतनी दोस्त हैं, किसी को भी फोन कर दे 25 की जगह 50,000 मिल जाएंगे। करेक्ट, दोस्त वही होता है जो जरूरत में काम आए। ये लो। हेलो, हाय अरुणा, क्या बात है डार्लिंग? आई एम वेरी सॉरी अरुणा, तुमने कितनी दफा मेरी मदद की है पर मैं तुम्हारे वो रुपए भी नहीं लौटा पाई। 25,000 क्या, मेरे पास तो इस वक्त 25 रुपए भी नहीं है। प्लीज एक्सक्यूज मी अरुणा। मेरी कॉल सहेली है प्रेमा, उसको फोन करती हूँ। हाँ करो करो। हेलो, हाय, सॉरी अरुणा इस वक्त पॉसिबल नहीं है। हेलो, ओ हाय अरुणा, यार मैं खुद मुश्किल में हूँ, तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसने भी ना कर दी। जब कभी इन्हें जरूरत होती थी तो मैंने इनकी मदद की, और आज जब मुझे जरूरत है तो कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं। किसी का नाम दुनिया है बेटी। देखो बेटी, जब तक तुम्हारे ये अंकल और आंटी जिंदा हैं, तुम्हें जितना भी रुपया चाहिए, जब कभी चाहिए, बेझिझक मांग लेना। ये लो। ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा अच्छा समझ गया, तुम सोच रही होगी इस बावर्ची ने खटाक से चेक लिखा और खटाक से फाड़ के दे दिया, कहीं ये झूठा तो नहीं है यार? अपने इस अंकल को ऐसा वैसा मत समझना बेटी, बैंक फेल हो सकता है, इनका चेक फेल नहीं हो सकता। अब तुम झट से बैंक जाओ और खट से पैसे लेके आओ। थैंक यू वेरी मच, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कौन? मैं अरुणा गुप्ता। कमबख्त तो 5 बजाना था, इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये पैसों का मामला है मेरी जान, इसमें तो जल्दी आए दुरुस्त आए। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, कहीं जाकर जल्दी से छुप जाओ। ओके। अरुणा जी नमस्ते नमस्ते, आइए ना। क्या बात है, आप लोग वक्त से पहले ही आ गए। वक्त पर ही आने से कभी कभी ट्रेन छूट जाती है, इसलिए हम वक्त से पहले ही आ गए। लेकिन मेरी ट्रेन तो कल सुबह है। नहीं, मैं आपके ट्रेन के बारे में बात नहीं कर रही। तो? मैं तो ऐसे कह रही थी। ओ, बैठिए ना, आइए। वैसे अरुणा जी, वैसे देखा जाए तो ये आपने अच्छा ही किया कि आप वक्त से पहले आ गई। अब मैं जाके थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लूंगी और मैं सोचती हूँ आपका शहर भी देखा हूँ। आपका शहर मुझे लगा बहुत अच्छा। अच्छा अरुणा जी, चलने का रुपया तो लाई है ना? जी हाँ। थैंक यू। पहले एक रसीद बना दीजिए। रसीद मैं आपको पार्टी भेज दूंगी। नहीं मैडम, ये 1 या 2 हजार का नहीं, पूरे 25,000 का मामला है। रसीद तो हमें आपकी चाहिए। ये क्या रोना जी, क्या आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है? ऐसा लगता है कि आप लोगों को शक है कि मैं आपका रुपया लेके भाग जाऊंगी। तुम भागो या ना भागो, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो रुपया समेत तुम्हें लेके भाग जाएगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मिस वर्मा, तुम्हारी चाल मैं उसी वक्त समझ गई जब तुमने नकद रुपया लाने के लिए सीखी। तुम जैसे मक्कार लोगों ने सच्ची समाज सेवा करने वालों को बदनाम कर रखा है। चलो चलो चची जान, अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो चुपचाप पर्स में से पैसे निकाल कर मेरे हवाले कर दो, वरना आप दोनों के रसीद में। निकालो जल्दी।
तुकाराम, इस लड़की को भी गिरफ्तार कर लो। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस इन्हें कई महीनों से ढूंढ रही थी। ये दूसरे शहरों में भी ऐसा अपराध कर चुके हैं। इनके बारे में पुलिस को खबर देकर आपने जनता की बहुत बड़ी सेवा की है। जनता अगर अब भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मोहब्बत में ऐसे कदम जगमगाए, समाना ये समझा के हम पी के आए, हम घर आए। घर इतनी जल्दी आ गया? स्वीट होम कि अब मेरे रहते तो कितना मजा आता। नहीं फन वो म्यूजिक, वो डांस और वो प्यारे लाल, प्यारे सचमुच कितना प्यारे। नहीं इतनी देर कर दी बेटा, वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। शराब पी रहे हैं। हाय हाय हाय, अरे जरा तो शर्म कर। शर्म शर्म, ये शर्म कोई विस्की का नाम होता है क्या? तुमने कभी पी? नहीं, जरूर कोई देसी शराब होगी। करेक्ट। अरे नो डार्लिंग, मैं देसी शराब पीता नहीं। करेक्ट। लेट्स गो। व्हाट? पागल हो गया है ये, खड़े खड़े देख क्या रही है सासू माँ? आवाज तुम भी हमारे साथ एक पैग मारो ना। अरे राम, खत्म, सब खत्म। घर के मान मर गया था, खानदान की इज्जत सब खत्म करा दी तुमने, सब खत्म। सासू माँ, शराब पीकर नशे में चूर होना है तो घर की मर्यादा है। क्या कहा? घर की हर बहू को पीना चाहिए। अरे तुम भी तो कभी बहुत। अरे ये क्या करते हो, मेरा जीवन भर से हो जाएगा। नो प्रॉब्लम सासू माँ, मैं गंगा जल का इतना बड़ा मटका लेके बड़ा के तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगी। अब तुम पवित्र हो जाओगी। अरे 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 अरे, क्या हो गया इसको, ये पागल हो गई क्या? अरे 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 छोड़ दो, मेरी बात मानोगे तो छोड़ दूंगी। मानोगे? मानूंगी, मानूंगी। That's better. Okay. बैठो। अब उठो, 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 अब बैठो, बैठो ना। अब उठ जा। बेटी, बेटी, अब आए ना लाइन पे। अब बोलो सासू जी, फिर कभी बोलोगी कि मैं कंगाल की बेटी हूँ, दरिद्र हूँ, दहेज में कुछ नहीं लाई वगैरह वगैरह वगैरह? नहीं 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 ना, नहीं। खाओ सर की कसम, अपने सर की कसम। अब जाओ। ऐ डर डर डर, रुको रुको रुको, बैठो बैठो। याद है उस दिन तुमने मुझे इस गाल पे धमाचा मारा था? याद है? अब इसी गाल पे पप्पी देके जाओ, देती होगा मैं। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। 5:30 बज गए, साली अभी तक नहीं आई। अरे पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। अरे गुरु, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वो 100% आएगी। तुमने लाइफ मैगजीन में उसकी फोटो छापने का झांसा जो दिया है गुरु, वो आ गई। आ गई अबे उधर से नहीं, इधर से, इधर से भाग। जाता हूँ, जाता हूँ। हेलो, वेलकम वेलकम, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। आप और साड़ी में? वो क्या है कि मैंने एक लेटेस्ट अमेरिकन मैगजीन में पढ़ा था कि आजकल वहाँ साड़ी का बहुत फैशन है। ऑफ कोर्स, दैट्स ट्रू। वैसे तो आप किसी भी लिबास में खूबसूरत लगती हैं। थैंक यू। वो फोटोग्राफ का इंतजाम हो गया? जी हाँ, सब इंतजाम हो गया है। यू प्लीज कम इन, प्लीज। हाँ सी, एवरीथिंग इज रेडी। आप जरा कैमरे के सामने वहां आ जाइए। दैट्स गुड, एंड नाउ गिव मी अ पोज। जरा पोज दीजिए। ओह नो 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 नो, गिव मी नाइस पोज। फैंटेबलस, फैंटास्टिक। हाँ हाँ, एक बात की जरा कमी है, जस्ट होल्ड। हाँ हाँ हाँ, जरा चेहरा इधर घुमाइए, क्या खूबसूरत आंखें आपकी। ओह मोर ओवर, कुछ पाउडर जो है ना ज्यादा लगा लिया है। दैट्स ऑल राइट, आई विल डू इट फॉर यू, रिलैक्स। दैट्स नाइस।
आप तो पसीना पसीना हो रही हैं। देखिए मैं जरा जल्दी में हूँ, अगर आप इंटरव्यू जल्दी खत्म कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लाइफ मैगजीन का इंटरव्यू एक बहाना था, हमने सोचा सचमुच ही आपकी लाइफ बना दें। क्या मतलब? हमने तुम्हारी खिदमत के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं देखो। पसंद आया? आओ तुम्हें अब जन्नत की सैर कराएं। कम विद मी। बदतमीज। डार्लिंग, जो भी औरत पहली मर्तबा यहाँ आती है वो यही कहती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम किस चीज की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकती रहती हो। तुम अपने पति से खुश नहीं? शट अप। ओह, ये झूठ मूठ का गुस्सा क्यों डार्लिंग? तुम तो एक आजाद फैल मॉडर्न औरत हो, सब कुछ जानती हो, सब कुछ समझती हो। तुमने अपने बच्चे को अपना दूध तक नहीं दिया ताकि तुम्हारे जिस्म का ये उतार चढ़ाव बिगड़ न जाए। आखिर ये खूबसूरत बदन किस लिए, किसके लिए? आओ मैं तुम्हारे बदन को और खूबसूरत बना दूं, इसमें बिजलियां भर दूं। बस बंद कर कमीने, छोड़ दे मुझे। जी तेरा। तुम? हम। बच्चों ये क्या किया तूने? इतनी महंगी कांजीवरम साड़ी फाड़ दी और वो भी जरी वाली आम के टपके। लगता है तू दुर्योधन की औलाद है। आई, आई, आई। अच्छा अच्छा ठीक है, रहना मेरी एक बार गौर से सुन लो। हाँ, अगर तुम इसी तरह लड़कियों के ब्लाउज और साड़ियां फाड़ते रहे तो अपना बदन ढांपने के लिए वो तुम्हारे बदन की चमड़ी उधेड़ लेंगी, समझे? चल बहन बोले से। माँ नहीं बहन। बोल। बहन शाबाश, बड़ी जल्दी सुधर गया। आओ मेरी। चल बेटी। आओ चलते हैं। तुमने अपने बच्चे को अपना दूध तक नहीं दिया ताकि तुम्हारे जिस्म का ये उतार चढ़ाव बिगड़ ना जाए। हाँ श्रीमान, आपने उस बदमाश को छोड़ क्यों दिया? उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? कर तो सकते थे श्रीमती जी, लेकिन इसमें बदनामी पहुरानी की ही होती, जिंदगी भर के लिए इसके माथे पे कलंक का टीका लग जाता। बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम श्रीमती, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर हम वक्त पे ना पहुंचते तो क्या होता? वही जो नहीं होना चाहिए, या तो ये अपनी इज्जत खो बैठते या अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे जान से मार डालती। तुम ठीक कहती हो, अगर पहली घटना हो जाती तो इसका बिहार का जीवन बर्बाद हो जाता, और अगर दूसरी घटना हो जाती तो ये तो इस वक्त जेल में होती। एक बात याद रखना, जो औरत अपने पति की छाया में नहीं रहती समाज की नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं। मौका मिले तो हर कोई ऐसी औरत का नाजायज फायदा उठाता है। नकली शोहरत, झूठी आजादी और बाहरी दिखावे के मोह में न जाने कितनी औरतें इस तरह अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेती हैं। Oh,
भगवान बेटे मधु, अरे सुन, पवरानी जो आज तक सिर्फ कहने के लिए मां थी, अब सचमुच मां बन गई है। अरुणा मुझे माफ कर दो मधु। नहीं अरुणा, ऐसा नहीं कहते। मेरी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, शाबाश, ये हुई ना बात। मेरे नहीं बेटी, इनके चरण छुओ। नहीं बेटी, इसकी जरूरत नहीं, भगवान ने हमारी सुन ली, इतना ही काफी है। हम तुम्हारी आंखों में पश्चाताप का एक आंसू देखना चाहते थे, तो देख लिया। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। श्रीमती जी, यहाँ तो हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। शंकर चाचा, आपसे हमारी ना कोई पहचान थी न रिश्तेदारी, फिर भी आपने हमारी इतनी मदद क्यों की? नहीं पालो जी, नहीं। मां जी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। नहीं, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। यही तो कहानी में सस्पेंस है। हमें नहीं बताएंगे? बताएंगे बेटी, बताएंगे, वक्त आने पर सब कुछ बता देंगे। मेरे ख्याल से चले हम यहाँ से, हम एक जगह अपनी ड्यूटी अधूरी छोड़कर चले आएंगे। कहाँ है एक जगह, वहां तुम्हारे जैसा ही एक जोड़ा है, राजेश और वीना। हाय प्यारे, दूरी क्यों और करीब आओ ना। सर कैसी प्यारे, तुम्हारे से डांस करने का मजा ही कुछ और है। जी चाहता है जिंदगी भर तुम्हारी बाहों में ऐसे ही झूमती रहूं। तुम्हारा हस्बैंड सुन रहा है? हेलो, ये मेरी मधु, मुझे तो ये सब अच्छा लगता है। चलो घर चले। नो डार्लिंग, अभी तो डांस शुरू किया है, फिर डांस करेंगे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी पिएंगे, नहीं प्यारे? शट अप एंड कम ऑन विद मी। डोंट बी जंगली यार, वीना अगर मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती है तो गुजारने दो। हाँ। मैं इसे घर पहुंचा दूंगा, तुम जाओ, कम। खबरदार अगर इसे छुआ तो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू राजेश? ठीक है वीना तेरी बीवी है, लेकिन मेरी भी तो खास दोस्त है, मैं इसका हाथ पकड़ू या गले लगाऊ तो है क्या? डांस करें, कम ऑन। और प्यारे, शट अप, छोड़ो भी, तुमको आने से तो अकेले आते, मुझे क्यों? डोंट टेल मी टू शेम,
What is this, darling? वो कह रही ना क्यों इतना मारा उसको? उसके साथ डांस करके मुझे इतना मजा आ रहा था, क्यों अलग किया मुझे उसे? Shut up! खबरदार अगर उसका नाम लिया तो। मैं लूंगी। प्यारे लाल मुझे बहुत प्यारा लगता है। ड्रिंक लोगे? नहीं वीना, आज से शराब बंद। ये क्या कर रही हो? आपने लिए एक पैक बना रहे? नहीं वीना, आज से तुम भी नहीं पियोगी। What? मैं सुबह सुबह ना पीऊं तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। मैंने कहा ना तुम शराब नहीं पियोगी। क्यों डार्लिंग, व्हाट्स रॉन्ग? ये क्या किया तुमने? ठीक किया। शराब के नशे में चूर होकर तुम दूसरे मर्दों के साथ बहकी बहकी हरकतें करती हो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। डार्लिंग, मैं तो घर से बाहर कदम तक रखने को तैयार नहीं थी, तुम ही जबरदस्ती मुझे क्लब्स और पार्टीज में ले गए। क्या उस वक्त तुम्हें याद नहीं था कि तुम मेरे पति हो? मेरे ना ना करने पर भी जबरदस्ती तुमने मुझे शराब पिलाई। क्या उस वक्त तुम भूल गए थे कि तुम मेरे पति हो? मेरे लाख इनकार करने पर भी तुमने जबरदस्ती मुझे गैर मर्दों के साथ नाचने पर मजबूर किया। उस वक्त तुम क्या समझे थे डार्लिंग, तुम मेरे पति नहीं हो? डार्लिंग, तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं इन चीजों के बगैर नहीं रह सकती। मैं तो शराब भी पीऊंगी, क्लब भी जाऊंगी और दोस्तों के साथ डांस भी करूंगी। इस हद तक गिर चुकी हो तुम। उस रोज तुमने मुझे इसलिए मारा था कि मैं इस हद तक गिरने को तैयार नहीं थी, और आज इसलिए मारा कि... Stop it! मैं जानता हूं कदम कदम पर मेरी गलती है। नए कल्चर के नशे में डूबकर मैंने तुम्हें बुरी आदतें डाली, तुम्हें उल्टी सीधी बातें सिखाई, ये उसी की सजा मुझे मिल रही है। मुझे ये भी ना नहीं चाहिए तो मेरी कहलाते हुए भी दूसरों की आगोश में खेलती फिरे। मुझे वो पुरानी वीना चाहिए जो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, जो मुझसे सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। मुझे वो वीना चाहिए, मुझे वो वीना चाहिए। मैं अभी वही वीना हूँ, आपकी पुरानी वीना। आपके खातिर मैंने अपना रूप जरूर बदला है, लेकिन दिल नहीं बदला। मैं हमेशा वही की वही रही। ये तो मैंने सिर्फ एक स्वांग रचा था ताकि आपको अपनी गलतियां महसूस हो। सच में ना? हाँ, अगर आप मेरी बात कहिए कि नहीं तो आइए ये पी के देखिए। देखिए ना, है ना शरबत? मैं आज तक क्लब में भी यही पीती रही हूँ। शंकर चाचा और पार्वती चाची ने मुझे ये खेल खेलने की प्रेरणा दी थी। अगर मेरे कारण
आपको कोई दुख पहुंचा तो मुझे क्षमा कर दीजिए। वीना, खेल खत्म। बेटे, इस ड्रामे की मुख्य कलाकार वीना है, स्टोरी और डायलॉग श्रीमती पार्वती देवी के हैं और डायरेक्शन श्रीमान शंकरलाल जी का है। इस ड्रामे का कोई सीन अगर तुम्हें पसंद ना आया हो तो उसके लिए जिम्मेदार हम दोनों हैं, हमें माफ कर देना। नहीं अंकल, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अरे नहीं, माफ कर दीजिए। देखो बेटा, फैशन और कल्चर के नशे में जो नौजवान अपनी बीवियों को शराबखानों और क्लबों में घुमाते हैं, वो एक बात भूल जाते हैं कि पत्नी भी पति की तरह एक इंसान है और इंसान कमजोरियों का पुतला है। अगर पत्नी के दिल में किसी दूसरे मर्द की चाह जाग उठे तो कोई भी गैरतमंद पति ये बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं, कभी नहीं बेटा। इसलिए हमें ऐसी हालात पैदा ही नहीं करने चाहिए। आप ठीक कहती हैं आंटी। मम्मी, माँ जी, मम्मी, माँ जी, क्या हुआ माँ जी को? ये तो बेहोश हो गई। शायद छुरी चलते हुए गिर गई। घबराने की कोई बात नहीं। अरे क्या घबराने की कोई बात नहीं, इतना खून बह गया है। तुम डॉक्टर को फोन करो, इन्हें खून देना पड़ेगा। ना ज्यादा खून थोड़ी बहा है, दो ही बूंद तो है। वो तुम समझती क्यों नहीं, इनका भी तो इलाज करना है। हा? ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं कहाँ हूँ? अभी तक आप इसी दुनिया में हैं। और अपने ही घर में हैं। आप सीढ़ियों से गिर गई थी और आपके बदन से खून भी बहा। खून? ज्यादा नहीं, सिर्फ दो बाल्टी। हाय राम, दो बाल्टी खून? हाँ, डॉक्टर ने कहा अगर फौरन खून ना दिया गया तो आपका बचना मुश्किल है। फिर क्या, हम आपको ऐसे थोड़ी मरने देते हैं। बड़ी मुश्किल से एक ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला जिसका खून आपके खून से मिलता है। आपको इस वक्त उसी का खून दिया जा रहा है। भगवान उसको और उसके बाल बच्चों को सुखी रखे। कौन है वो भला मानुस? वो देखिए। हरे राम, इस अछूत का खून दे रही हो मुझे? अरे रे 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 रे, मेरा तो जीवन भ्रष्ट कर डाला। शांति शांति शांति, ठीक है। अगर आपको इसका खून नहीं चाहिए तो अभी डॉक्टर से क्या करिए, सुई निकलवा देते हैं। सुई के निकलते ही आपकी जान भी निकल जाएगी। हरे राम। और आप हरे राम से बोलो राम हो जाएंगे। कहिए, निकलवा दे सुई। अरे नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। नर्स, सुई निकालो। अरे डॉक्टर, ये क्या कर रही है? अरे अरे, घबराइए नहीं घबराइए नहीं, जितना खून चाहिए था दे चुके हैं। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। शंकरलाल जी। हाँ आता हूँ। हरे राम 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 हरे राम। राजेश बेटा, ये सब क्या हो गया? आंटी क्या हुआ? अछूत है, मुश्किल हो जाएगी। हरे राम हरे राम, मैं अछूत हूँ। जी हाँ राजेश बेटे, काम करना। अपने बंगले के पिछवाड़े जहाँ रामू का झोपड़ा है ना, वहाँ इनके लिए भी एक झोपड़ा डलवा देना। क्या? हाँ, अभी सुमन में ये बिचारी कहाँ जाएंगे? ठीक है अंकल, जैसे आप कहें। मैं बेटा, ये कुएं के पास ना आने पाए। क्यों चाची? अरे अछूत का साया पड़ने से कुएं का पानी भ्रष्ट हो जाता है। हरे राम, तुम लोग सब क्या बकरे हो? मैं अछूत कब से हूँ? जब से आपके शरीर में इस अछूत माली का खून गया है। खून से क्या होता है, खून तो सबका एक जैसा है। क्या कहा, क्या कहा आपने? तू तो मेरी बहू है, तू ही इन्हें समझा। हम सबका खून एक जैसा है, खून का रंग एक जैसा है। अगर हम सबका खून एक जैसा है, खून का रंग एक जैसा है, तो फिर ये छूत अछूत का भेदभाव गलत है ना? गलत है, गलत है। शाबाश शाबाश, आपके मुंह से ये शब्द सुनने के लिए हम बहन जी। अछूत वो होता है जिसके दिल में कोई दया ना हो, जो धर्म के नाम पर अधर्म करता हो। आप ठीक कहते हैं, आज आपने मेरी आंखें खोल दी भाई साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए।
क्षमा कर दीजिए मुझे। श्रीमती जी, यहाँ भी हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, चले। अंकल, आप लोगों की वजह से हम सबके अंधेरी जिंदगियों को रोशनी मिली, ये तो बताइए आप लोग कौन हैं? बताइए ना अंकल। आपने वादा किया था। कहिए ना चाची। बच्चों, हमारी कहानी कुछ अजीब सी है। जब हमारी शादी हुई थी हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन कुछ ही अरसे में हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे हम इस दुनिया में एक दूसरे के लिए ही पैदा हुए हैं। हम उस वक्त बहुत गरीब थे, जिंदगी की छोटी सी छोटी जरूरत भी पूरी नहीं कर पाते थे, लेकिन हमारे प्यार ने हमें कभी अपनी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। फिर तकदीर ने पलटा खाया, मैंने लकड़ी का बिजनेस शुरू किया, लाखों रुपए कमाए। फिर हमारी बेटी पैदा हुई, हमारी जिंदगी में वो खुशी की एक किरण बनकर आई, हमने उसका नाम भी किरण रख दिया। हमारे दिन रात साल महीने बस उसी के लाड प्यार में गुजरते रहे, और देखते ही देखते वो जवान हो गए। मम्मी, डैडी, हम सोच रहे थे कि अब किरण के हाथ पीले कर देने चाहिए। इतने में उसने हमें बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती है। हमने एतराज नहीं किया क्योंकि वो हमारी इकलौती बेटी थी, हम उसे खुश देखना चाहते थे। हम जाकर उस लड़के से मिले, वो गरीब था लेकिन देखने में शरीफ लगता था। अच्छा मुहूर्त देखकर हमने किरण की शादी उस लड़के के साथ कर दी। बेटी की शादी के बाद हमने सोचा हमारी सब जिम्मेदारियां खत्म हो गई, अपना सारा बिजनेस, धन दौलत और जायदाद बेटी और दामाद को सौंपकर हम विदेश घूमने चले गए। हमें बाद में पता चला अचानक दौलत हाथ आ जाने से हमारा दामाद उसे संभाल ना सका, वो उन तमाम बुरी चीजों का गुलाम बन गया जो रुपए से खरीदी जा सकती है। हमारी बेटी बड़ी खुददार लड़की थी, उसने हमें कभी एक शब्द नहीं लिखा कि उसका पति बुरा है, क्योंकि उसने अपना पति खुद चुना था। वो मासूम अपने दुख की आग में अकेले ही जलते रहे, और उसका याश पति दिन रात शराब पीता था, जुआ खेलता था, जब जब उसे रुपयों की जरूरत पड़ती वो हमारी बेटी को गालियां देता था, उसको उसको पीटता था। हम आशा लेकर विदेश से लौटे कि हमारी बेटी मां बनने वाली होगी। हम भागे भागे उसके घर गए। किरण, किरण किरण बेटी तो आ रहे।
जी किरण 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 बेटी किरण किरण हमारी किरण हमें गम के अंधेरे में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं। बच्चों की शादी के बाद माँ बाप अक्सर ये सोचते हैं उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हमने भी यही गलती की। उस वक्त हमें ये ख्याल नहीं आया कि दो इंसान जब जिंदगी में पहली बार एक साथ रहना शुरू करते हैं तो उन दोनों के बीच छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, जो कभी कभार उन दोनों में गलतफहमियां पैदा कर देती हैं। सही वक्त पर अगर उनका इलाज ना हुआ तो ये छोटी छोटी बातें एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान बन जाती हैं। उस वक्त किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें तरीके से प्यार से समझा सके, उन दोनों को तबाही के तूफान से बचा सके। ये सब कुछ हम अपने संतान के लिए तो न कर सके, मगर अब दूसरों के लिए करके हमें कुछ शांति मिल जाती है, इसलिए हम शहर शहर घूमते हैं। यही हमारी कहानी है। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं। नहीं आंटी, आप लोग नहीं जा सकते। हम आपको नहीं जाने देंगे। हाँ शंकर चाचा, हम सब आपके बच्चे हैं, हमें आपकी जरूरत है, आप हमारे साथ रहिए ना। अंकल, प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। बच्चों, तुम्हारी तरह और कितने ही नौजवान होंगे जिन्हें हमारी जरूरत होगी। क्या तुम चाहते हो हमें उनकी सेवा का सौभाग्य न मिले? चले श्रीमती। हाँ श्रीमती।